नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक अपडेट लेकर गया हूँ। जो अलवर UTB भर्ती थी, जिसके 15 और 16 अक्टूबर को जिसके इंटरव्यू हुए थे, अर्जेंट टेम्प्ररी बेस की भर्ती थी। NHM के तहत 7900 रुपये इसमें वेतनमान मिलने वाला है। तो जो जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू दिया था, उनका फाइनल रिजल्ट, स्टाफ नर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नर्सिंग स्टाफ का, उनका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। और 30/3/2020 का जो आदेश थे, उसके तहत राजकीय डेडिकेटेड अस्पताल अलवर के लिए 30 GNM अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया। कहने का मतलब है 30 सीटें थी यहाँ से, अलवर से UTB के लिए। और NHM द्वारा निर्धारित दरों पर इसके COVID-19 के जो नियंत्रण तक भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो जिला स्वास्थ्य कमेटी है अलवर, उसके द्वारा जो 4-5 लोगों की कमेटी थी, जिला कलेक्टर, CMHO, कोषाध्यक्ष, इनकी जो कमेटी थी, उसके तहत इन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। पहले मैं बात करूँ तो इन दो अभ्यर्थियों का, देखिए कैटेगरी इनका ऐसे, लेकिन सिलेक्शन इनका जनरल से हुआ है। और 30 टोटल कैंडिडेट हैं, आप लोगों के सामने इनके नाम हैं, देख सकते हैं आप लोग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, खुद का नेम, और आगे वर्ग इनका लिखा गया है। 30 टोटल कैंडिडेट हैं, देख सकते हैं, MBC का ये लास्ट में अभ्यर्थी हैं। तो 30 कैंडिडेट्स टोटल यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो नियुक्तियाँ हैं, कब तक ज्वाइन करना है, क्या कुछ इनको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, RNC अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थी राज्य सरकार में किसी प्रकार के नियोजन का अधिकारी नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार की प्रशासनिक खामी, जुडिशियल रिलीफ का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है, किसी भी प्रकार के नियोजन का यहाँ पर आप नहीं दावा कर सकेंगे। एक और चीज़ में कही गई है कि 2 से अधिक संतान, 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हों, सेवा में पात्र नहीं होंगे। तो शपथ पत्र भी देना पड़ेगा 2 से ज़्यादा संतान नहीं होने का। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30/6/2006 के अनुसार अभ्यर्थी को विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विवाह प्रमाण पत्र और दहेज ना लिए जाने का शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से यहाँ पे लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व जो हेल्थ सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो बनवाना पड़ेगा, और पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, और एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा जिस पर यह दर्ज हो कि मेरे खिलाफ़ कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तथा कार्यग्रहण के 15 दिन के अंदर। ये यहाँ पर अच्छी छूट इन्होंने दे दी है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस प्रमाण पत्र है, उसके लिए 15 दिन का टाइम ये दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। धूम्रपान और गुटखा संबंधी वो अंडरटेकिंग आपको देनी होगी कि हम ये नहीं यूज करते हैं, इनका उपयोग नहीं करते हैं। और उक्त जो GNM स्टाफ है, उनकी नियुक्ति COVID-19 के नियंत्रण तक की मान्य होगी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर चयनित GNM को दिनांक 5/11/2020 तक अपने मूल दस्तावेज सहित इस कार्यालय में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है, इसके पश्चात उक्त आदेश मान्य नहीं होंगे। तो 29 यानी कि कल लेट नाइट ये आदेश निकाले गए थे, और अब इनको 5 नवंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी डे को, लास्ट तारीख है 5 नवंबर ज्वाइन करने की, उसके बाद ये आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट था, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, वहाँ से इस PDF फाइल को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।